गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज वेंसडे 28th अप्रैल 2021 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 3 एंड थिंक टैंक ऑफ चैप्टर नंबर 7। दैट नेम इज लिविंग इन आर चेंजिंग वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट आर टुडेज लेक्चर। तो एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 3, What causes the changes in photographic film when taking a photograph and during photosynthesis? Describe the changes. तो इसके अंदर आपने ये बताना है कि जो photographic film है उसके अंदर आपके पास क्या changes होती हैं जब हम उसे expose करते हैं towards the light, और इसी तरह जो है वो photosynthesis का जो process होता है उसके अंदर जो है वो light का क्या role है। Basically इसके अंदर हम light के roles जो हैं वो different discuss करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी और फोटोग्राफी के प्रोसेस में भी। सो दिस क्वेश्चन हैज आंसर्ड इन योर बुक। सो हेयर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 78 एंड द टॉपिक इज 7.3 चेंजेस कॉज्ड बाय लाइट। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज द L3। So light decomposes the silver bromide coating on photographic films into silver, which produces the dark areas on the films in accordance with the shapes of images formed when the films are developed into negatives. So basically होता क्या है कि ये जो आपके पास photographic films होती हैं इनके ऊपर coating की हुई होती है किस material की, silver bromide की। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड की जो आपके पास कोटिंग होती है वो अफेक्ट होती है जब हम इसको लाइट के अंदर एक्सपोज करते हैं, मतलब जब लाइट इस सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग के ऊपर पड़ती है तो वो सिल्वर ब्रोमाइड को किस में चेंज कर देती है, सिल्वर के अंदर चेंज कर देती है, और सिल्वर जो है वो आपको फिर डार्क शेडो देता है ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, जिसकी वजह से आपके पास जो इमेज की शेप होती है ठीक है वो डार्क कलर में आपको नज़र आती है। तो इधर जो है वो आप देख सकते हैं आपको 3 जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो दिखाई गई हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखें फर्स्ट वाली को फ्रॉम लेफ्ट, नेगेटिव ऑफ फिल्म डैट इज़ ओवर एक्सपोज टू लाइट, और मिड वाली जो है वो नेगेटिव ऑफ फिल्म डैट इज़ एक्सपोज टू सम लाइट, और थर्ड वाली जो है वो नेगेटिव ऑफ फिल्म डैट इज़ नॉट एक्सपोज टू एनी लाइट। मतलब ये जो आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म है ये आपके पास वो फिल्म है जिसके ऊपर कोई लाइट नहीं डाली गई या इसको लाइट के लाइट का एक्सपोजर जो है वो इसको नहीं दिया गया। ठीक है, मिड वाली जो है इसके अंदर आपके पास सम लाइट जो है वो दी गई है, और जो आपके पास लास्ट वाली है इसके अंदर फोटोग्राफिक फिल्म को एक्स्ट्रा लाइट के अंदर जो है वो एक्सपोज किया गया है, मतलब लाइट के अंदर ज़्यादा देर तक जो है वो इसे रखा गया है। तो आप जो है वो इसके अंदर चेंजेस देख सकते हैं तीनों फिगर्स के अंदर। ठीक है, फ्रॉम द राइट वन तो ये जो फर्स्ट वाली है इसके ऊपर आप देखें कि सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग जो है वो इंटैक्ट है, जिसकी वजह से जो है वो इसके ऊपर कोई शेप या शेडो वगैरह नहीं बना। और सेकंड वाली के अंदर देखें, इसके अंदर जो है वो आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड की जो आपके पास कोटिंग है ठीक है वो स्लाइटली इफेक्ट हुई है, क्योंकि लाइट के साथ जो है वो इस फोटोग्राफिक फिल्म को एक्सपोज किया गया है। तो जिस ऑब्जेक्ट की पिक्चर जो है वो ली गई है तो लाइट ने जो है वो उसका शेडो जो है वो क्रिएट कर दिया है। और अगर आप लास्ट वाली पे देखें तो ये आपके पास वो फोटोग्राफिक फिल्म है जो पूरी ही डार्क है, पूरी ब्लैक कलर की है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो सिल्वर ब्रोमाइड की आपके पास कोटिंग है वो ओवर एक्सपोजर ऑफ लाइट की वजह से पूरी जो है वो सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो गई है, और पूरा जो है वो ब्लैकिश शेड दे रही है, जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट की पिक्चर ली गई है। सो दिस इज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म दैट आर एक्सपोज इन डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट एंड फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और नेक्स्ट जो है वो आपके पास प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। सो हेयर इज ऑन पेज नंबर 79, लाइट इज नीडिड बाय ग्रीन प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूस शुगर दैट इज ग्लूकोज
and oxygen. Here is the chemical equation, that is water plus carbon dioxide. It gives glucose and oxygen in the presence of light. The sugar produced by the green plants provides food for other living things. So here the extensive question number 3 is ended. तो नेक्स्ट जो है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था फोटोसिंथेसिस के बारे में. तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है फूड मेकिंग प्रोसेस है इन दी प्लांट्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना सिर्फ प्लांट्स के लिए बल्कि अदर एनिमल्स के लिए भी, यहाँ तक कि हम इंसानों के लिए भी, क्योंकि हमारी जो फूड का 60-70% फूड का परसेंटेज है वो डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर. ठीक है, तो इस तरह प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तमाम लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. और प्लांट्स जो है वो कब तक लिविंग रहते हैं, जब तक उनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के अपने ज़िंदा रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि आपके पास जो एयर में प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाटर के साथ जो है वो कंबाइन होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज के अंदर, जो कि एक टाइप है शुगर की, और ऑक्सीजन के अंदर. ठीक है, तो फिर ये जो ऑक्सीजन होती है ये बाद में जो है वो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ की जाती है. ठीक है, और इस तरह से प्लांट्स जो है वो आपके पास ऑक्सीजन प्रोडक्शन का भी ज़रिया है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस में हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो प्लांट्स जो है वो ना सिर्फ फोटोसिंथेसिस के ज़रिए हमें फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बल्कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो एक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो ये हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा वाइटल रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं. ठीक है, तो अब जो है वो आप ये देखें कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है सनलाइट, क्योंकि आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो आपके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर होता है, जो हम क्लोरोप्लास्ट जिनको हम कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनके अंदर आपके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का काम होता है लाइट को कैप्चर करना. लेकिन जो क्लोरोफिल होता है वो उस वक्त तक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट नहीं कर सकता जब तक जो सूरज की रोशनी है, जो सनलाइट है, वो प्रेजेंट नहीं होगी. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पे आप इक्वेशन देखें कि ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपके पास कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और फिर ये आपको देंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन. सो यहाँ पे जो है वो आपका एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एंड हो रहा है. तो आपने हेडिंग के साथ जो है वो लिखना है इसको, फोटोग्राफिक फिल्म की आप अलग हेडिंग देंगे, और इसका आप पेज नंबर 78 से लिखेंगे, और फोटोसिंथेसिस की जो है वो आप अलग हेडिंग देंगे, और उसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फोटोसिंथेसिस का लिखेंगे. तो ये दोनों मिला के आपके पास एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. नाउ कम्स टूवर्ड्स द थिंक टैंक ऑफ चैप्टर नंबर 7. सो हियर इज़ द थिंक टैंक ऑन पेज नंबर 84, और थिंक टैंक जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है उसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3. ये दो जो है वो क्वेश्चंस आपके थिंक टैंक में इंक्लूडेड हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले डिस्कस कर लेते हैं. द सन गिव्स आउट अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस. तो पूछा आपसे ये क्या है कि सन जो है वो आपको हीट और लाइट देता है, और आपने बताना है कि इस हीट और लाइट की वजह से अर्थ के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हो रही हैं. ठीक है, सो हेयर इज़ द आंसर. सनलाइट एंड हीट कॉज चेंजेस इन वेदर क्लाइमेट एंड सीजन्स. कि सनलाइट और हीट जो है वो आपके पास क्या क्या चेंज कर सकती है, आपका वेदर चेंज कर सकती है, आपका क्लाइमेट चेंज कर सकती है, और यहाँ तक के आपके सीजन्स भी जो है वो आपके पास चेंज हो सकते हैं सनलाइट और हीट से. अच्छा, वेदर जो है वो आपके पास क्या होता है कि डेली चेंजेस जो हो रही होती हैं, ठीक है, रोज़ाना की जो चेंजेस होती हैं आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम वेदर कहते हैं.
और क्लाइमेट क्या होता है कि सालों के साल से जो आपके पास चेंजेस होती हैं आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, डेट इज कॉल्ड दी क्लाइमेट। ठीक है, और सीजन्स का तो आपको पता ही है कि एक स्पेशल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो है वो आपके पास वेदर की जो कंडीशन होती है उसे हम जो है वो सीजन कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसकी है कि प्लेसेस विच गोट मोर सनलाइट एंड हीट सच एज दोज नियर द इक्वेटर आर हॉट एंड ह्यूमिड विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। तो आपके पास वर्ल्ड के अंदर जो है वो आपको पता है कि कुछ ऐसी स्पेसिस हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कुछ जो है वो ऐसी स्पेसिस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? ये इसी वजह से होता है कि या तो उन प्लेसेस के अंदर उन प्लेसेस पे सनलाइट और जो सन की हीट होती है, ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा पहुँच रही होती है या फिर सनलाइट और हीट जो है सन की वो बहुत ज़्यादा कम पहुँच रही होती है। तो दोनों सूरतों में आपके पास जो है वो वेदर की या फिर क्लाइमेट की एक्सट्रीम कंडीशंस जो है वो पैदा हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डिस्कस किया है कि ऐसी जगह जहाँ पे सूरज की जो रोशनी है और सूरज की जो हरारत है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जाती है, तो ऐसे इलाके जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, उनके अंदर नमी का जो कॉन्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपको पता है कि जिस इलाके में नमी ज़्यादा हो जाए वहाँ पे फिर बारिशें जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे जो है वो ट्रीज़ वगैरह हैं तो वहाँ पे जो इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है वो वजह बनता है बारिशों का। और इसके ऑपोजिट द प्लेसेस विच गेट लीस्ट सनशाइन सच एज पोलर रीजन्स आर कोल्ड। तो जो पोलर रीजन्स होते हैं वो आपके पास कोल्ड होते हैं, और उनके कोल्ड होने की यही वजह है कि वहाँ पर सूरज की जो रोशनी है और जो हरारत है वो ज़्यादा नहीं पहुँच पाती। द वेदर चेंजेस दी लाइव्स एंड लैंडस्केप ऑन अर्थ, सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ग्रीन प्लांट्स टू मेक फूड हेंस सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो जो आपके पास ये वेदर चेंजेस होती हैं हीट और लाइट की वजह से सन की, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है लोगों की जिंदगियों के ऊपर, उनके कामकाज के ऊपर, इसी तरह जो ज़मीन की साख्त है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो करते हैं ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो सूरज की रोशनी है वो वेदर को भी कंट्रोल कर रही है, वो आपके जो है वो, और जो वेदर है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जगह पे क्रॉप्स को उगाने के लिए, किसी भी जगह पे प्लांट्स को उगाने के लिए जो है वो वेदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर प्लांट्स जो हैं वो फिर हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो इनडायरेक्टली जो आपके पास सनलाइट है और सन की जो हीट है वो हमारी लाइफ्स को बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करती है। और किसी जगह पे कौन से प्लांट्स उग रहे हैं, किसी जगह पे कौन से एनिमल्स रह रहे हैं, किसी जगह पे लोगों के काम काज की रूटीन क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनडायरेक्टली आपके पास किस पे डिपेंड करती हैं, सन की लाइट के ऊपर और सन की हीट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर जो है वो आपको दिए गए हैं ए बी एंड सी कि आपने इसकी केमिकल इक्वेशन बनानी है। ए आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। बी आपके पास है वाटर डिकम्पोजेज इन टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। और उसके बाद सी आपके पास है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीन आपके पास जो है वो इक्वेशंस आपको जो है वो दी गई हैं रिटन फॉर्म में, लेकिन आपने इसकी वर्ड इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के सिंबल क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसको हम कैपिटल सी और कैपिटल ओ से जाहिर करते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन है उसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन को कैपिटल एच से, वाटर को H2O से, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं CaCO3, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, वाटर को H2O और कैल्शियम सल्फेट को CA2SO4।
ठीक है, तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपके पास कंपाउंड है और उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो केमिकल इक्वेशन होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड वाली चीज़ होती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो चीज़ें आपके पास कंबाइन हो रही होती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और कंबिनेशन के नतीजे में जो चीज़ हमारे पास बनती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉल्विंग ए, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बर्न होता है और फिर वो बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं लिख रही हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हो रहा है, और प्रोड्यूस का क्या मतलब है कि ये आपके पास अब प्रोडक्ट आ रहा है, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर आपके पास क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके पास है बी, और बी जो है वो है वाटर, जो है वो आपके पास डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब है वाटर की जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, और वाटर आपको क्या दे रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और सी जो है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं आपके पास, वो आपको देते हैं वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस आपको देते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो ये मैंने इस तरह ऊपर नीचे लिख दिया, लेकिन आपने जो है वो ट्राई करना है कि एक ही लाइन में ही आप इसे कंप्लीट करने की कोशिश करें थोड़ी स्मॉल राइटिंग के अंदर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। तो आपका अप्रैल का जो सिलेबस है वो टाइमली जो है वो कवर अप हो गया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।